तो दोस्तों YouTube में नया फीचर आया है फोर यू का, तो आप इस फोर यू का यूज कैसे कर सकते हैं, इसका यूज क्या है और इसको मतलब कि कैसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कैसे व्यूज वगैरह बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वो चीज मैं आपको सबसे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। कैसे इसको ऑन करना है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है, सब चीज मैं आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे दोस्तों हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके रख लिया है, क्या फोर यू का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मेरी वीडियो आ रही है, 4 महीने पहले की वीडियो है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 महीने पहले वीडियो है, ये 5 महीने की, मतलब ऐसे यहाँ पर सबसे लास्ट में ऐसे यहाँ पे 15-20 वीडियो यहाँ पे ऐड कर दी है यूट्यूब ने अपनी तरफ से। अगर आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है वो कैसे आप करेंगे वो विषय मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते लास्ट वीडियो में ये वाली 1 मंथ पहले की वीडियो है, तो ये वीडियो में यहाँ पर यूट्यूब ने ऐड कर दी अपनी तरफ से। तो आपको ये ऐसी वीडियो कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ से हम कर लेते हैं बैक, तो आपको यहाँ पे गूगल क्रोम को लेना ओपन, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल को लेना ओपन, और इसको आपको थ्री डॉट पे करना है क्लिक। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको लेना डेस्कटॉप साइड पर, ऐसा आपको यहाँ पर कर लेना है। अब फिर आपको यहाँ पे साइड में आपको चैनल का लोगो दिख रहा है उस पर करना है आपको क्लिक। फिर आपको यहाँ पे व्यू चैनल पर करना है क्लिक। अब व्यू चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमर चैनल पर करना है क्लिक। कस्टमर चैनल पर क्लिक करने के बाद आप अपने जो यूट्यूब स्टूडियो में हो जाओगे ओपन, वहाँ से आप इस सेटिंग को इजीली कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जूम करके आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन फॉर यू व्यूवर्स, इससे आपके व्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, मतलब कि आपके व्यूवर के इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो दिखाएगा। जैसे मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ फेसबुक से रिलेटेड वीडियो देख रहा हूँ, है ना, अगर मैं आपके यूट्यूब चैनल पर जाऊँगा तो मुझे 15-20 वीडियो फेसबुक से रिलेटेड भी रिकमेंड करेगा, इससे क्या होगा, इससे आपके व्यूज वगैरह बढ़ेंगे। तो इसको आपको ऑन कैसे करना ऑफ कैसे करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन मिल जाता है, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। इसे यहाँ पे मोर सेटिंग पे करते हैं हम क्लिक। अब मोर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर यू सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलता है वीडियो का शॉर्ट का और लाइव स्ट्रीम का, मतलब आप यहाँ पे अपनी यहाँ पे आप अपनी वीडियो को मतलब दिखाना चाहते हैं या शॉर्ट को दिखाना चाहते हैं या लाइव स्ट्रीम को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को दिखाना चाहता हूँ और शॉर्ट को दिखाना चाहता हूँ, लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे मैं दिखाना नहीं चाहता, तो इसको कर देता हूँ मैं ऑफ। अब ऑफ करने वाला यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है, तो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑल कंटेंट रिकमेंडेड, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि YouTube ऑलवेज अपडेट्स द फॉर यू सेक्शन विद फ्रेश कंटेंट, और फिर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है रिसेंट कंटेंट ओनली, मतलब आपको जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है मतलब कि YouTube अपनी तरफ से वीडियो ऐड कर देगा है, और जो नीचे वाला ऑप्शन है वो मतलब रिसेंट 20 वीडियो हैं तो उनमें से मतलब वीडियो उठाकर वहाँ पर ऐड कर देगा। तो यहाँ मैं ऑल कंटेंट पर कर देता हूँ क्लिक, YouTube अपनी तरफ से ऐड करेगा, तो मतलब YouTube के अंदर ये क्या फीचर आ गया, तो वो अपनी तरफ से सब अपने हिसाब किताब से वीडियो को ऐड कर देगा अच्छे तरीके से। तो मैं मतलब YouTube हमारे व्यूअर को अच्छी तरह से समझता है और उनको अच्छी तरह से वीडियो वगैरह दिखाएगा और व्यू वगैरह हमारे बढ़ने वाले हैं। तो इसको हम कर देते हैं सेव, यहाँ पर आपको डन पर कर देना क्लिक, तो ये हमारा हो चुका है सेव। तो ऐसा आपको यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर पब्लिश वाले बटन पर करना है क्लिक, तो ये हो जाएगा हमारा पब्लिश। ऐसा आपको इस फीचर को ऐड करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर लें प्रेस। तब तक के लिए बाय।